हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज हम ये मुंबई का स्ट्रीट फूड तवा पुलाव बनाने जाने वाले, जो कि कुकर में 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी। इसे आप लंच या डिनर में या कोई गेस्ट आ जाए तो तुरंत बना सकते हो। देख लेते हैं। कुकर गरम रख दिया है। कुकर में हमने एक चम्मच तेल लिया हुआ है। आप चाहिए तो घी, बटर कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें थोड़े से राई के दाने डाल दिए हम लोगों ने, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, एक तेज पत्ता डाल दिया मैंने, दालचीनी के दो टुकड़े डाले हुए, लौंग डाल दिए दो, एक बड़ी इलायची डाल दिए और तीन काले मरी डाल दिए और थोड़ी सी हींग डाल दिए। मसाले को अच्छे से होने देंगे, फिर हो जाएंगे ना, तटकने लगेंगे। उसके बाद अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम लोग भून लेंगे, एक मिनट के लिए भूनना है हमें, ज्यादा नहीं भूनना है। एक मिनट जैसा हो जाएगा थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। फिर प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया है। ये प्याज हम लोग इसमें सौते होने देंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक अपने को मिक्स करना है। देखिए अभी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया ना, ये हम लोग सब हाई फ्लेम पे कर रहे हैं। टमाटर डाल दिया मैंने, फंसी लिए हुए वो डाल दिए, थोड़ा सा गाजर था, गाजर डाल दिया, थोड़े से बटाने, और सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अभी इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स चली जाती है हमारे पेट में और अच्छा टेस्टी पुलाव बनता है। ये जो है ना, मस्त राइस रेडी होगा हमारा। तवा पुलाव जो होगा ना, इतना मस्त लगेगा। और आपको जरूरत नहीं है तवे पे बनाने की, कुकर में भी आप आसानी से बना सकते हो। एक वाटी चावल को मैंने भिगो के लिया था 20 मिनट, उसको अच्छे से डाल दिया मैंने, इसमें धो के लिया हुआ है, धो के 20 मिनट भिगो के लिया था। देखो चावल को हम लोग मिक्स करके लेंगे ऐसे, जिससे चावल का पानी रहेगा वो सूख जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके मसाले कर लेंगे। एक चम्मच जितना मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर में डाल रही हूँ। फिर हल्दी पाउडर डाल रहे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डालेंगे, एक चम्मच जितना। कितना, एक छोटी सी एक चम्मच डालोगे ना तो भी बस हो जाएगा, टेस्ट आ जाता है इसमें अच्छा खासा। खड़े मसाले भी क्योंकि हमने डाले, सबको अच्छे से मिला के लेंगे। इसको अब पकने देना है हम लोग को, मसाले में चावल को पकने देना है, जिससे मसाला मस्त टेस्ट बैठ जाए इसमें। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक वाटी चावल लिया है ना, तो सामने हमें तीन वाटी पानी डालना है। तीन वाटी पानी डालेंगे तो मस्त दो सीटी करेंगे ना, तो चावल अच्छे से पक जाएंगे। देखो दूसरी वाटी डाल दी ऐसे करके। ये चावल इतने टेस्टी लगते हैं ना, ये दिखने में जितने मस्त है, खाने में उतने ही हेल्दी और टेस्टी है। आप फटाफट बना सकते हो, टाइम नहीं लगता। आप देखोगे ना तो 10 मिनट में तो ये बन जाएगा। देखिए मिक्स करके लेंगे, साइड में जो भी चावल रहेंगे ना वो सबको अंदर डाल देंगे, जिससे साइड के चावल कच्चे ना रह जाए। अभी कुकर बंद करके दो सीटी लगा देंगे। हमारे चावल पक रहे, तब तक इसके साथ खाने वाले के लिए हम लोग एक रायता रेडी कर रहे हैं, बूंदी का रायता, जिसके लिए मैंने एक वाटी दही लिया हुआ है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और काला नमक डाला है, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करके लेना है हम लोग को, फेंट के लेना है। देखो दही गाढ़ा अच्छा बन गया, तो उसको अच्छे से फेंट के लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें एक वाटी दही है तो एक वाटी बूंदी डालेंगे हम लोग और दो आइस के टुकड़े। पानी नहीं डाल रही हूँ, जिससे ये बर्फ डालेंगे ना तो मस्त इसका पानी होगा और ठंडा रायता हो जाएगा हमारा। देखिए दो बर्फ के टुकड़े डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़े से कोथमीर से गार्निश कर लेंगे। देखो तैयार है हमारा बूंदी का रायता, एकदम सिंपल। लंच डिनर कभी भी आप ले सकते हो। देखो सारा का सारा पानी सूख गया रहेगा, तैयार है। देखो कितना खिला खिला दाना बना है। आपको अभी अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही इंस्टेंट पुलाव बना सकते हो, तवा पुलाव। और यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना मस्त लगता है ये राइस का। देखिए इस पे थोड़े से मैंने हरे कांदा जो था ना, वो स्प्रिंकल स्प्रिंग ऑनियन रहते है ना, वो थोड़े से डाल दिए और कांदे को ऐसे रिंग में कट करके डाल दिए। और तवा पुलाव दिखना चाहिए इसीलिए नींबू भी साइड में रख दिया है, थोड़ा सा नींबू डाल के आप खाइए, बहुत ही मस्त लगता है ये राइस। और एक बात, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,
जिससे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और मेरे सभी व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली।